नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द विनू टॉक्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अमूल बटर कैसे बनता है। दोस्तों, भारतीय खान पान में बटर यानी मक्खन एक अहम भूमिका निभाता है, जिसका इस्तेमाल लगभग सभी जगह किया जाता है। फिर चाहे इसे ब्रेड पर लगाकर खाना हो या आलू के पराठों के साथ, किसी सब्जी में डालना हो या कच्चा ही खाना हो, सब इसे बड़े चाव से खाते हैं। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, ये होता ही इतना लजीज है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबका फेवरेट बटर आखिर बनता कैसे है? उसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है कि जो उसे इतना टेस्टी बना देता है? इसके साथ साथ बटर को खाने के कौन कौन से फायदे और नुकसान होते हैं, आज हम इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली देश की जानी मानी कंपनी अमूल के बारे में शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा। सुबह के चाय के लिए दूध की जरूरत हो या फिर नाश्ते में ब्रेड के साथ बटर की, सबसे पहले नाम जो जहन में आता है वो अमूल ही तो है। अमूल बटर को भारत के सभी घरों में बड़े चाव से खाया जाता है। तो इस डिलीशियस बटर को बनाने की शुरुआत कुछ इस तरह से की जाती है। सबसे पहले अमूल के बड़े बड़े टैंक अलग अलग गांवों में बने अमूल की मिल्क संस्थानों से लगभग 20 मिलियन लीटर दूध लेकर फैक्ट्री में जाते हैं, जहां पहुंचने पर दूध की अच्छे से जांच की जाती है। जांच के बाद दूध की क्वालिटी सही होती है तो उसके बाद उसे स्टोरेज टैंक में पंप के जरिए डाला जाता है। जिस स्टोरेज टैंक में दूध को डाला जाता है वो दूध से बैक्टीरिया को अलग करने का काम करते हैं, जिसके बाद इसका सेपरेशन और पैस्टराइजेशन किया जाता है ताकि दूध से क्रीम को अलग किया जा सके। इसके बाद इस क्रीम को 8 घंटों तक 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैच्योर किया जाता है। जब ये प्रोसेस पूरी तरह कर लिया जाता है, इसके बाद इस क्रीम को अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां इसे बहुत तेज आरपीएम पर घुमाया जाता है, जिससे बटर और मड्डे को अलग किया जा सके। दोस्तों, जो बटर इस प्रोसेस में तैयार होता है उसे फिर एक साथ गूंथा जाता है ताकि वो एक साथ आपस में जुड़ जाए। देखने में ये प्रोसेस काफी सेटिस्फाइंग लगता है, लेकिन अब से देखते रहने से ही बटर निकलने वाला नहीं। तो चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अच्छे से गूंथने के बाद बर्कर इसमें थोड़ी सी मात्रा में नमक मिला देते हैं, और यही वजह है दोस्तों, जब आप अमूल बटर को खाते हैं तो आपको इसमें नमकीन टेस्ट आता है। नमक मिलाने के बाद बटर एक बार फिर अच्छे से गूंथा जाता है ताकि इसे सॉफ्ट किया जा सके। ये सारी चीजें होने के बाद बटर बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन रुकिए, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब बारी आती है इस तैयार हुए बटर की क्वालिटी चेक करने की। इसके बाद सबसे पहले इसका सैंपल लिया जाता है, और उसके बाद एक्सपर्ट्स बड़ी ही बारीकी से इसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। जब एक्सपर्ट्स इसकी क्वालिटी से पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं, और अगर क्वालिटी अमूल के स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होती है, तभी इसे आगे प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। वहीं अगर क्वालिटी की थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाती है तो इस पूरे बटर को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अमूल कभी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ना होने पर उसे कस्टमर तक नहीं पहुंचाता। क्वालिटी पास होने के बाद अब बारी आती है इसकी पैकेजिंग की। सबसे पहले एक मशीन बटर पेपर को बिछाने का काम करती है, और दूसरी तरफ एक बड़ी नोजल के जरिए बटर को पेपर पर निकाल कर रेक्टेंगल शेप में कट कर दिया जाता है। आगे जाकर एक दूसरी मशीन बटर पेपर को बटर के चारों तरफ से उसे पैक कर देती है। बाद में उसे बड़े बड़े बॉक्सेस में डालकर रेफ्रिजरेटर वाली गाड़ियों में भरकर दुनिया भर में पहुंचाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को करते समय स्वच्छता का बहुत खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अगर बटर थोड़ा सा भी गंदा हुआ तो वो साफ दिखने लगेगा, तो लोग उसे खरीदना ही बंद कर देंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि बटर कैसे बनाया जाता है, लेकिन अब हम इसके खाने के फायदे के बारे में बताते हैं। बटर में फैट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, साथ में इसमें विटामिन ए, विटामिन ई और K2 भी अधिक मात्रा में होता है। ऐसे में अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो बटर का सेवन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इसके साथ ही दिल संबंधी बीमारियों के लिए मक्खन फायदेमंद है।
हाल ही में हुए शोध से एक बात सामने आई है कि मक्खन खाने से दिल की बीमारी होने का खतरा कम रहता है, जिसके कारण हार्ट अटैक होने की समस्या कम हो जाती है। वहीं कैंसर से बचने के लिए मक्खन का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मक्खन में फैटी एसिड और कंजुलेटेड लिनोलेक होता है, जो शरीर को कैंसर से बचाता है। जो लोग नियमित बटर का सेवन करते हैं, उनको कैंसर की संभावना बड़ी कम रहती है। चलिए आपको एक ज्ञान और देते हैं दोस्तों, जब भी आप टेंशन में हो या आपका मूड खराब हो तो मक्खन का सेवन कीजिए। मक्खन में मौजूद सेलेनियम दिमाग की नसों में जाकर उनको रिलीफ देता है। ये तो हुई इसके फायदे की बात, लेकिन जानकारी दो तरफा रखो वही अच्छा होता है, क्योंकि एक तरफा और अधूरी जानकारी काफी घातक हो सकती है। तो इसलिए अब जरा हम बटर के नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। अगर हम बटर का इस्तेमाल एक सीमित मात्रा में करें तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल अत्यधिक मात्रा में करते हैं तो इससे वजन बढ़ने और दिल की बीमारी जैसी समस्या पैदा हो सकती है। तो अब आप जब भी इसका इस्तेमाल करें तो एक नियमित मात्रा में जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि अमूल बटर फैक्ट्री में कैसे बनता है। इसके साथ ही अगर आप इसके किसी फायदे या नुकसान के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।